कोर्ट के सामने था जिसमें हाई कोर्ट ने एंट्रिंग जामीन दिया हुआ है। वैकेशन कोर्ट में था, वैकेशन कोर्ट ने एंट्रिंग जामीन दिया है। सिविल प्रोसीजन के सीआर नंबर 74/2021 और सीआर नंबर 75/2021 में मालेगांव शहर के नाम से जो है सुबियास का हाईकोर्ट के अंदर आज अटकपुर जामीन रखा गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दिए और हमारे एडवोकेट महेंद्र संदेश की तरफ से ऐसा अनुमान किया गया कि भाई इसके अंदर जो स्पीच उन्होंने दिया है, स्पीच के अंदर किसी भी किस्म का उन्होंने पब्लिक को भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। इस तरीके का अर्पण हमारे वकील साहब की तरफ से किया गया, कोर्ट ने वो चीज़ कंसिडर करी और कंसिडर करके वो चीज़ कंसिडर करके कोर्ट ने जो एंटीसीमेटरी बिल में आज प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे साथ हमारे इफ्तिकार शेख हाजी साहब, शेख आसिफ साहब और बाकी जो भी लोग थे, ये सभी लोगों ने अच्छी खासी मदद की है और काउंट किया हुआ है। इफ्तिकार सेठ, इस वक्त पे क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी खुशी का वक्त है, दो लोगों की बेल होने बाद आपके घर के परिवार के जो सबसे बड़े सदस्य यूसुफ सेठ मालेगांव शहर में एक नाम रखते हैं, उनकी बेल हुई, क्या कहेंगे? ये तो अल्लाह का करम है कि आज यूसुफ सेठ की इंटेरिया हो गई है। मैं इसमें हमारे आसिफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत बेल खुशी है और हमारे महिंदर वकील साहब, हमारे आरिफ वकील साहब, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। और बाकी रही बात, हम आगे जो और लोग हैं जो जेल के अंदर हैं, इनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए भी कोशिश करके जल्द से जल्द ये भी बाहर आए।